साहित्य के पद्य और गद्य दोनों क्षेत्रों में समान रूप से अधिकार रखने वाले संपत सरल हिंदी के साथ राजस्थानी के भी ख्यातनाम कवि हैं। राजस्थान के शेखावटी में जन्मे संपत सरल बचपन से ही अपने आसपास के परिवेश को देखकर कविता लिखने लगे। यही कारण है कि उनकी रचना में आम जन विद्यमान रहता है। मैं 10वीं तक तो गांव में पढ़ा, तो मेरे माताजी और आसपास का जो वातावरण था वो लोकोक्ति मुहावरों का था। उस परिवेश में पले बढ़े तो कहीं ना कहीं भीतर कोई ऐसी चीज़ थी कविताओं की तरफ रुझान होने के लिए। तुकबंदियाँ करते थे, बात बात में तुके मिलाते थे, तो उसी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगा कि भाई, फिर धीरे धीरे लिखना शुरू कर दिया। काफी समय तक कविताएं लिखने के बाद संपत सरल का झुकाव गद्य रचना की ओर हुआ और उनकी रचनाओं में व्यंग्य और पैनापन होने के कारण वो तेजी से देश के प्रतिष्ठित व्यंग्यकारों की श्रेणी में गिने जाने लगे। काव्य और गद्य रचनाओं के अलावा संपत सरल पत्र पत्रिकाओं में भी बराबर लिखते रहे हैं। उन्होंने राजस्थानी में अपने व्यंग्यों का संकलन चाकी देख चुनाव की किताब में किया है। इस प्रकार वो राजस्थानी साहित्य को समृद्धशील बनाने के लिए भी प्रयासरत हैं। एक बार मैं कलकत्ता गया था तो वहाँ कन्हैयालाल जी सेठिया थे, राजस्थानी के मूर्धन्य कवि, उनसे मैंने ऐसे प्रश्न कर लिया था कि साहब, मुझे हिंदी में लिखना चाहिए या राजस्थानी में लिखना चाहिए। तो उन्होंने एक बड़ी पते की बात कही। उन्होंने कहा कि बेटा, दोनों भाषाओं में लिखो, दोनों भाषाएँ श्रेष्ठ है, बस ध्यान ये रखो कि हिंदी में सोच करके राजस्थानी में मत लिखना। तो अब मैं हिंदी में सोचता हूँ तो हिंदी में लिखता हूँ, राजस्थानी में सोचता हूँ तो राजस्थानी में लिखता हूँ। राजस्थानी साहित्य में वर्तमान में ऐसा तो नहीं कि लिखा नहीं जा रहा है, लिख रहे हैं, खूब अच्छा लिख रहे हैं नए लोग भी, लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है कि जब कहीं रेखांकित हो रहा हो। इस कारण से नए लोग जो हैं वो भी भाषा पर उतना अधिकार नहीं है, स्वाध्याय नहीं करते हैं, और जैसे जैसे हिंदी का और अंग्रेजी का थोड़ा सा हो गया, उससे राजस्थानी का कैनवस भी छोटा हुआ। इसको रोजगार से जोड़ा जाए और राजस्थानी भाषा को मान्यता दे सरकार, अगर सरकार मान्यता देगी तो वो रोजगार की भाषा हो जाएगी, तो फिर तो पाठ्यक्रम में भी शामिल होगी, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो भी राजस्थानी भाषा में होंगी, तो लोग लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी, वही एक बड़ा काम हो सकता है। बहरहाल अपने व्यंग्यों के कारण संपत सरल व्यंग्यकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं, क्योंकि जिस तेजी से संपत सरल उभर कर आए उतनी शोहरत कम लोगों को ही नसीब होती है।